Good morning students, this is class 8 science, chapter number 14, exercise part 3, okay? हम लोग exercise कर रहे हैं आज से और उसमें question 1 है, fill in the blanks. Solution of acid, bases and salt. The passage of electric current through a solution called
नेगेटिव टर्मिनल, राइट, नेगेटिव टर्मिनल पे वो बैटरी पे डिपॉजिट होता था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, मैंने लास्ट एक लास्ट डेफिनेशन लिखवाई थी याद है आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में देखा था ना, जो प्लेट्स थी उसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर एक और डिपॉजिट होता था, उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लो। Question 2 is, when the free ends of a tester are deep into a solution, the magnetic field needle shows deflection दिखाती थी, ओके। चलो तो आंसर लिखते हैं, हम थोड़ी साइंस की लैंग्वेज में लिखना पड़ता है ना आंसर, तो लेट्स सी। तो आंसर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इट मींस द लिक्विड और सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर
इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर आर डिप इन टू अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू Now, question number 3 is, name three liquids common which were tasted in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect. Okay? ये मैग्नेटिक नीडल वाला आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा पूछा है हमें कि नेम थ्री कोई भी तीन लिक्विड का नाम बताओ जिसका विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर फॉर मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड. ओके, तो द आंसर विल बी ग्राउंड वाटर कॉमन विनेगर कॉमन साइट्रिक फ्रूट जूस. द लिक्विड सॉल्यूशन
बेसिक और एसिडिक भी ठंडा
there are no sufficient charges electric current required for bulb to glow. Okay. And fourth one is, यहाँ पे लिख रही हूँ फोर, any loose connection air gap like electrodes are not properly connected to wire. Okay. सो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है? तो पहली है लिक्विड सॉल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल वाटर, राइट? या तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो डिस्टिल मतलब उबाल उबाल के पानी में जो इम्प्योरिटीज है वो डिस्टिल मतलब उबाल के उसको प्योर वाटर बनाया गया है, राइट? तो ऐसा पानी में करंट पास नहीं होता है. सेकेंड वन, बल्ब में भी फ्यूज, ये बल्ब है वो जल ना रहा हो पहले से, ऐसा भी हो सकता है, राइट? थर्ड, द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देयर आर नो सफिशिएंट चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड फॉर बल्ब टू ग्लो. या फिर जो बैटरी है उसके अंदर भी चार्जेस कम हो गए हैं, मतलब बैटरी खराब हो गई है, ऐसा भी हो सकता है. और लास्ट है, एनी लूज कनेक्शन एंड देयर लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू वायर. ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो वायर के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, कनेक्शन कहाँ से लूज है वो भी हो सकता है. ओके, चलो ये कंप्लीट कर लो. उसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन से करेंगे. क्वेश्चन फाइव है, एमसीक्यू है, मैं उसको उसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगी. आंसर फाइव हम लोग डिस्कशन करके आंसर लिखेंगे. अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड लेवल ए एंड बी. इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल ग्लो
बल्ब हो रहा है, ब्राइट बल्ब था वो, ऐसे ब्राइट ग्लो हो रहा है। और बी लिक्विड में क्या है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, राइट। उसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या कंक्लूड किया, ऐसे चार ऑप्शन दिए थे हमें कि फर्स्ट लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है, ऐसा पहले में ऐसा बोल रहा है, राइट फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन क्या है, लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर, तो ये तो हो नहीं सकता है, अगर ये गुड कंडक्टर होता तो बल्ब को ग्लो करना चाहिए, राइट, बट बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी है, बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों अच्छे कंडक्टर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ग्लो तो हो नहीं रहा है, तो दोनों कैसे अच्छे कंडक्टिंग है। फोर्थ है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर इन दिस मैनर, क्या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए हमें कंपेयर, क्यों, क्योंकि ये ग्लो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो कंडक्ट करंट होगा तभी ग्लो होगा ना। तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर, फर्स्ट, कि फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड ए इज, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, ओके, बी से ए है वो बेटर कंडक्टर है तभी ग्लो होगा, ओके, इज इट क्लियर टू यू। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। थैंक यू एवरीवन।